नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के फिर एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं CSE के माध्यम से UCL ID के लिए दोस्तों कैसे अप्लाई किया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस तरीके से पोर्टल को आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, और अगर आपको अधिक जानकारी लेनी है तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप ग्रुप है, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। आप वहाँ पर जाकर दोस्तों मुझे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप को भी दोस्तों ज्वाइनिंग कर लें, क्योंकि UCL से संबंधित CSE से संबंधित जो भी अपडेट होते हैं मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। तो इस प्रकार दोस्तों कुछ ये डैशबोर्ड ओपन होता है। यहां पर अभी जो वर्क बोला जा रहा है करने के लिए, यूनिवर्सल क्लाइंट पर दोस्तों नहीं करना है, आपको ECMP पर ही क्लिक करना होता है। इसको मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन होगा। ये मैं लाइव आपको दोस्तों लॉगिन करके दिखा रहा हूँ CSE के माध्यम से UCL ID। अब यहाँ पर इस तरीके से आप दोस्तों ID मांगता है, ऑपरेटर ID। तो यहाँ पर आप लोगों की जो ID बनी हुई होती है वो आपका दोस्तों स्टेट के शुरू से अक्षरों से होती है। फिर आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक नाम आ जाता है, फिर आप नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों एक नई प्रक्रिया यहाँ पर स्टेप पर पहुँच जाते हैं। तो अभी मैं ये चीज़ें डालकर दोस्तों नेक्स्ट कर लेता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से आपका दोस्तों आगे प्रोसेस में ये आपका पेज लेके जाएगा। आप देख सकते हैं ऑपरेटर डिटेल्स। अब यहाँ पर GPS का आपका दोस्तों लोकेशन जो GPS डिवाइस के साथ आपकी मैच की जाती है वो आपकी सेंटर से की जाती है। आप गो टू GPS पेज पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको इसको 48 पर ही सेव कर देना है। फिर उसके बाद स्टार्ट GPS पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो GPS डिवाइस है वो दोस्तों कनेक्ट रहनी चाहिए। और ये ऑटोमेंट पर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं चिन्ह भी आ रहा है, यहाँ से रेड कलर का चिन्ह हट जाएगा और यहाँ पर आपकी जो लोकेशन है सेव हो। तो जैसी हमारी लोकेशन सेव हुई तो अब हम दोस्तों इसको साइनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रोसेस वाले ऑप्शन पर जाकर दूसरे नंबर पर ऑप्शन होता है ऑपरेटर डिटेल्स का, इस पर क्लिक कर दीजिए। आपके सामने कुछ इस प्रकार का साइनिंग बोर्ड आ जाएगा। तो जैसे ही आप लोग वहाँ पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको सेंड OTP पर यहाँ पर क्लिक करना होता है, और आपका जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर दोस्तों एक OTP सेंड किया जाता है। उस OTP के माध्यम से आप लोग अपना ऑपरेटर ID को लॉगिन करते हैं। तो OTP हमारे मोबाइल नंबर पर आ चुका है। अब मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया है। अब आप देख सकते हैं आयरस डिवाइस के द्वारा दोस्तों ये आप लॉगिन करेंगे। तो आयरस वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो आपका कैमरा होगा दोस्तों वो यहाँ पर ऑन हो जाएगा। और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर अपना आयरस मशीन से अपना फिंगर लगवा देता हूँ जो आयरस वाला होता है। मैं आँख अपनी दोस्तों यहाँ पर कर देता हूँ। जैसे ऑपरेटर का दोस्तों आँख का आयरस लिया जाता है तो यहाँ पर ये राइट क्लिक हो जाता है, फिर आपको यहाँ पर ओके करना होगा। आप ओके जैसे करेंगे तो आपके सामने अगर ये वेरीफाई हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड के लिए बोलेगा, सक्सेसफुल क्रेडेंशियल ऑनलाइन सेक्शन, दिस विल बी वैलिड यूनिट एप्लीकेशन क्लोज द पेज। तो ये बोल रहा है कि आप इसको अब क्लोज कर सकते हैं और अपडेट वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो अपडेट वाले ऑप्शन के लिए आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन लाइफ साइकिल चेंज, आपको इस पर क्लिक करना है। ऑनलाइन अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर जाना है। अभी कुछ इस प्रकार से ये एरर आता है तो आपको दोस्तों कंट्रोल के साथ इसे एक्सेप्ट कर देना है। तो ये यहाँ से दोस्तों हट जाएगा। अब यहाँ से हट चुका है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपकी जो अपडेट करने की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इतना वर्क होता है दोस्तों इस ID को लॉगिन करने के अंतर्गत। अब इसके बाद आप लोग दोस्तों किसी भी कैंडिडेट का जो भी चीज़ अपडेट करना चाहते हैं वो अपडेट कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों पहले यहाँ पर आधार नंबर डाला जाता है, फिर दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट का फिंगर लिया जाता है, फिर उसके बाद जिसके नाम से ID है, ऑपरेटर या सुपरवाइज़र है, उसका भी यहाँ पर बायोमेट्रिक दिया जाता है और ये सक्सेसफुल हो जाता है। इस तरीके से आप आधार नंबर यहाँ पर टाइप कर देंगे तो ये दोस्तों फाइंड के लिए यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब दोस्तों इसको लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों के पास दोस्तों CSE होना चाहिए, CSE ID जिसको हम बोलते हैं, और वो भी दोस्तों समथिंग 6 महीने पुरानी। उसके बाद आपके पास एक बैंक BC होना चाहिए। बैंक BC लेने के लिए मैंने आपको बता दिया है, अभी IIBF का सर्टिफिकेट जो है वो आपको अनिवार्य है, और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बाद ही IIBF का सर्टिफिकेट मिलता है।
और IIBF का सर्टिफिकेट अगर दोस्तों आप लोग पास कर लेते हैं तो आपको जो है CSC के माध्यम से बैंक VC बना दिया जाता है। तो जैसे आप बैंक VC बन जाएंगे, बैंक VC बनने के बाद आपको दोस्तों एक आधार सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट लेना होता है। आधार सर्टिफिकेट को लेने के लिए पहले दोस्तों आपको LMS का सर्टिफिकेट लेना होगा। अभी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों अब चेंजिंग हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग अभी सोच भी रहे हैं कि अब कैसे करें, UCL ID को लें या ना लें, क्योंकि एग्ज़ाम भी काफ़ी सारे हो चुके हैं, प्रक्रिया भी काफ़ी सारी हो चुकी है। और अभी UDI की तरफ से ये भी बोला जा रहा है कि अभी जो टारगेट है CSC BLE वालों का, जो UCL ID देते हैं CSC को, उनका अभी टारगेट भी कुछ फुल चल रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोगों को कंप्लीट करके रखने हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास कंप्लीट हैं तो आप दोस्तों क्रेडेंशियल भर सकते हैं और अपना जो लखनऊ ऑफिस होता है, हेड ऑफिस UDI का, आप उस पर दोस्तों इसको भेज सकते हैं। वहाँ से आपको मेल के द्वारा भी आपको रिस्पॉन्सल मिल जाएगा कि अभी ID वहाँ पर बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप ग्रुप है, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप उसको ज्वाइनिंग ज़रूर कर लीजिए। कोई समस्या आती है तो मुझे कॉल कर लीजिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो आप क्रेडेंशियल भर के अपना दोस्तों जो भी हेड ऑफिस होता है आप वहाँ पर भेज सकते हैं अपने स्टेट बाय स्टेट। ऐसा नहीं कि सभी को एक ही स्टेट में भेजना होगा, सबका स्टेट बाय स्टेट दोस्तों ऑफिस होते हैं, वहाँ पर आप बात करके ले सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे भी जो भी अपडेट है मैं आपको देता रहूँगा। अभी वैसे UCL का जो क्रेडेंशियल है बंद है, जैसी चालू होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो भी बता देंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।